सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। विक्टर कैलकुलस सीरीज के 11th वीडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं YouTube चैनल एमए क्लासेस, मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो में मैं स्टॉक्स थ्योरम का प्रूफ बताऊंगा कि क्या स्टॉक्स थ्योरम का स्टेटमेंट है और उसका प्रूफ कैसे किया जाता है। मैं ग्रीन्स थ्योरम का जब वीडियो अपलोड किया था तो उसमें पूछा था कि आपको स्टॉक्स और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का प्रूफ भी चाहिए या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम ही। तो बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं वो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखे हैं, जैसे कुमार टेक एंड फन लिखते हैं स्टॉक्स एंड गॉस थ्योरम का प्रूफ भी, सुरजीत सिंह लिखते हैं गॉस थ्योरम का प्रूफ भी सर, फिर आगे लिखते हैं रामू सिंह वेरी गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रीन्स थ्योरम, स्टॉक्स एंड गॉस में प्रूफ के वीडियो अपलोड कीजिए, न्यूमेरिकल तो सॉल्व हो जाएगा, थैंक्स वेरी गुड। और फिर आगे लिखते हैं मोहम्मद उमीर सर प्रूफ भी चाहिए, मोहम्मद उमीर फिर लिखते हैं सर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के प्रूफ भी चाहिए, गौरव कुमार रवि लिखते हैं सर स्टॉक्स और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का प्रूफ भी चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं वो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टॉक्स थ्योरम का प्रूफ के का भी डिमांड किए हैं, तो मैं स्टॉक्स थ्योरम का प्रूफ लेकर के आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये वेक्टर कैलकुलस का सीरीज है, इसमें 10 वीडियोज मैं अपलोड कर चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये स्टॉक्स थ्योरम आपको अच्छी तरीके से समझना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये पूरी वीडियो अगर आप देखते हैं तो स्टॉक्स थ्योरम आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। और अगर आपके एग्जामिनेशन में आता है, अगर बीएससी के स्टूडेंट हैं आप, अगर आपके एग्जामिनेशन में आता है तो आप इसको लिख सकते हैं। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि स्टॉक्स थ्योरम का प्रूफ जो है वो लंबा होता है, तो आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिए। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले स्टॉक्स थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट है। इफ वेक्टर एफ इज एनी कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ये जो वेक्टर एफ है वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, एंड एस इज ए सरफेस बाउंडेड बाय ए कर्व सी, और एस जो है वो कोई भी सरफेस है जो कर्व सी से बाउंडेड है। अब हम लोग को प्रूफ करना है कि ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ का जो लाइन इंटीग्रल होगा वो इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन के कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होगा। अब लाइन इंटीग्रल क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, इसके बारे में मेरे चैनल में वीडियोज है, आप उसको देख सकते हैं। आप मेरे चैनल के होम पेज में जाइए, फिर प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको वेक्टर कैलकुलस का एक प्ले ग्रुप मिलेगा, तो उसमें से 10 वीडियोज अभी है, आप उसको देख करके समझ सकते हैं कि क्या होता है लाइन इंटीग्रल, क्या होता है वॉल्यूम इंटीग्रल। आप उसके बाद इस स्टॉक्स थ्योरम को अगर देखते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो चलिए, अगर आप अच्छी तरीके से जानते हैं लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल, तो आप देखिए कि ये जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ है उसका जो लाइन इंटीग्रल होगा वो इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन के कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होता है। यही हम लोग को प्रूफ करना है, यही स्टॉक्स थ्योरम कहता है कि लाइन इंटीग्रल वेक्टर पॉइंट फंक्शन का उसके कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होगा। जहां पर एक देख रहे हैं आप एन यूज कर रहे हैं, तो एन क्या होता है, वेयर द यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है एट एनी पॉइंट ऑफ एस इज ड्रॉन इन द डायरेक्शन इन विच ये राइट हैंडेड स्क्रू वुड मूव व्हेन रोटेटेड इन द सेंस ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सी। तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है इसको जरा समझिए कि हम लोग यहाँ पर एक सरफेस यूज कर रहे हैं, वो सरफेस जो है वो कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का सरफेस हो सकता है, तो वो क्लोज्ड कर्व सी से बाउंडेड है। सपोज कीजिए ये सरफेस है, अब सरफेस जो है वो स्पेस में कहीं पर भी हो सकता है, एक प्लेन भी हो सकता है, इस तरीके से प्लेन हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से, या कुछ भी इलिप्टिकल हो सकता है, सर्कल टाइप पर हो सकता है, या किसी भी तरीके का वो स्पेस हो सकता है, तो सरफेस हो सकता है। तो ये सपोज कीजिए ये सरफेस एस है, ये पूरा जो सरफेस है वो सरफेस एस है और ये एक कर्व से बाउंड है, ये कर्व एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिस्क्राइब कर रहा है, इस तरीके से ये मूव कर रहा है। तो मान लीजिए यही प्लेन है, इसी प्लेन पर ये सरफेस है और ये क्लोज्ड कर्व सी से बाउंडेड है, तो एन जो वेक्टर होगा वो नॉर्मल वेक्टर होगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर इस डायरेक्शन में, और कौन सा डायरेक्शन होगा, ये इधर से भी हो सकता है या उसके अंदर से भी हो सकता है, तो इधर होगा या अंदर होगा उस डायरेक्शन में होगा, ये कैसे पता चलेगा,
तो इसके लिए आप क्या कीजिए, राइट हैंड स्क्रू लीजिए। स्क्रू जो आप किसी स्क्रू को घुमाते हैं तो खुलता कैसे है, जिस डायरेक्शन में कर्व मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में आप उसको घुमाइए। तो स्क्रू अगर राइट हैंड से आप राइट हैंडेड स्क्रू है उसको आप घुमाते हैं तो ये बाहर की ओर आएगा। आप इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं जिस तरीके से ये कर्व मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में आप रोटेट कर रहे हैं तो वो बाहर की ओर जाएगा। तो बाहर की ओर जाएगा तो जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा वो इसका डायरेक्शन इधर होगा, ये बाहर की ओर निकलते हुए होगा। तो एन जो है वो एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर है और वो बाहर की ओर होगा, इस तरीके से होगा। हम लोग प्लेन में ऐसे बना दिए हैं लेकिन ये इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर जो सरफेस इंटीग्रल है एफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन के कर्ल का, तो यहाँ पर एन जो है वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर वही यूज हो रहा है। तो आप इसको एन कैप से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है ये। तो चलिए अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। ये तो स्टेटमेंट हो गया कि लाइन इंटीग्रल इस सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होता है। कैसे प्रूफ करते हैं इसको देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो सरफेस की बात कर रहा है, हम लोग इस तरीके का सरफेस लिए हैं, ये स्पेस में कहीं पर भी हो सकता है, किसी तरीके का कोई भी सरफेस हम लोग ले सकते हैं। और ये जो सरफेस है वो क्लोज्ड कर्व सी से बाउंडेड है, ये जो सरफेस है वो एस है, ये सरफेस एस है। अब ये सरफेस जैसे आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया, तो यहाँ पर कोई भी प्लेन भी हो सकता है, इस तरीके का कोई भी हम लोग प्लेन ले लेते हैं, कहीं पर भी हो सकता है ये, तो ये इस तरीके से प्लेन भी हो सकता है। अब इस जो भी स्पेस है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में क्या होता है कि आप यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए इसका। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर सभी तरफ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, इस तरीके से एक प्लेन ही बन रहा है, एक रेक्टेंगल जैसा बन रहा है यहाँ पर नीचे, तो उसी का ये प्रोजेक्शन है। ये एक्स वाई प्लेन पर भी हम लोग इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं, वाई जेड प्लेन पर इस डायरेक्शन में भी हम लोग इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस डायरेक्शन में भी प्रोजेक्शन ड्रॉ करने पर कुछ ना कुछ फिगर तो बनेगा ही, तो इस डायरेक्शन में भी हम लोग यहाँ पर इसका ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो भी फिगर बने यहाँ पर तो इस वाई जेड प्लेन पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक्स जेड प्लेन पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये अभी फिलहाल स्पेस है, स्पेस में कहीं पर भी ऐसा है, तिरछा है या ऐसा है या किसी भी तरीके से ये हो सकता है प्लेन, ठीक है। तो इसका हम लोग एक्स वाई प्लेन पर फिलहाल हम लोग परपेंडिकुलर, यहाँ जो फिगर आप देख रहे हैं इसमें एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, मतलब ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ड्रॉ किए हैं, ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन हो गया। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ कि लेट एस बी ए सरफेस विच इज सच दैट इट्स प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन आर रीजन्स बाउंडेड बाई ए सिंपल क्लोज्ड कर्व एंड सपोज दैट द इक्वेशन ऑफ द सरफेस कैन बी रिटन एज दिस। क्या है कि ये एक सरफेस है, इस सरफेस का ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन हम लोग प्रत्येक प्लेन पर, कोऑर्डिनेट प्लेन पर, एक्स वाई प्लेन पर भी, वाई जेड प्लेन पर भी और जेड एक्स प्लेन पर भी हम लोग ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। तो आर रीजन्स बाउंडेड बाय सिंपल क्लोज्ड कर्व, जो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं वहाँ पर जो रीजन मिल रहा है, इस रीजन को अगर आर से हम लोग डिनोट करें तो ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व से बाउंडेड है, ये जो क्लोज्ड कर्व है वो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व से बाउंडेड है, ये रीजन आर। आर क्या है, इस सरफेस का ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन जो है उसका रीजन आर है यहाँ पर। और उसका इक्वेशन, सरफेस का इक्वेशन हम लोग मानते हैं, यहाँ पर देखिए आप लिखा हुआ है कि एंड सपोज दैट द इक्वेशन ऑफ द सरफेस कैन बी रिटन एज जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। इस सरफेस का इंटीग्रल, जैसे मान लीजिए अगर ये प्लेन है, ये प्लेन को हम लोग ऑर्थोगोनल प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो ये प्लेन है तो प्लेन का इक्वेशन आपको पता होगा कि ये एक लीनियर इक्वेशन होता है, जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5, सपोज कीजिए इस तरीके से प्लेन का इक्वेशन है। सपोज करते हैं यहाँ पर ये जो सरफेस s सरफेस ले रहे थे वो s एक प्लेन है, तो आप यहाँ पर देखिए कि 4z इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आप उधर ले जाते हैं तो 5 माइनस 2x माइनस 3y हो गया, और 4 उधर डिवाइड कर देते हैं तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2x माइनस 3y डिवाइडेड बाय 4। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि z जो है वो x और y का एक फंक्शन आ गया, ये z इक्वल टू देख रहे हैं ये x और y का फंक्शन है। तो आप इसको जो भी सरफेस का इक्वेशन होगा वो एक्स वाई जेड के बीच एक रिलेशन होगा, तो उस एक्स वाई जेड के बीच जो रिलेशन आएगा उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई में कन्वर्ट कर सकते हैं।
या फिर आप इसको इससे जो अभी हम लोग जेड निकाले हैं आप यहाँ से वाई भी निकाल सकते हैं। तो वाई को अगर आप यहाँ से इवेलुएट करते हैं तो वो कितना होगा 5, और ये दोनों उधर ले जाएंगे -2x -4z और डिवाइडेड बाय 3 उधर डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई जो है वो एक्स और जेड का भी फंक्शन हो जाएगा। तो एक्स जेड के फंक्शन में यही इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं या इसी इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो वाई जो है वो एक्स जेड का, या फिर आप इसको एक्स इक्वल टू एच ऑफ वाई जेड भी लिख सकते हैं कि एक्स का वैल्यू भी यहाँ से इवेलुएट कर सकते हैं और एक्स का जो वैल्यू है वो वाई जेड के टर्म में। तो इक्वेशन जो है वो इसी प्लेन का है, इसी प्लेन के इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी या इस फॉर्म में, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर वही मैं लिख रहा हूँ कि अगर एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं फिगर में कि एक्स वाई प्लेन पर जब प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो उस समय ये इक्वेशन यूज करेंगे जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। अगर वाई जेड प्लेन पर इक्वेशन प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, वाई जेड प्लेन जैसे ये वाई जेड प्लेन है, इसका प्रोजेक्शन हम लोग वाई जेड प्लेन पर अगर लेते हैं तो वाई जेड प्लेन पर अगर प्रोजेक्शन लेते हैं उस समय जो प्लेन आएगा सरफेस है, इस सरफेस का हम लोग इक्वेशन इस फॉर्म में लिखेंगे एक्स इक्वल टू जी ऑफ वाई कॉमा जेड। और जेड एक्स प्लेन पर अगर हम लोग प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं तो उस समय इक्वेशन वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड जेड, यानी कि वाई इक्वल टू एच ऑफ एक्स जेड, जहां एफ जी और एच जो है वो सिंगल वैल्यूड कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो ये तो हुआ हम लोग जब जो सरफेस है उस सरफेस का इक्वेशन कैसे कंसिडर करेंगे। फिलहाल जो हम यहाँ पर बता रहे हैं उसमें एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन ड्रॉ किए हैं, एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं तो हम लोग इस तरीके का इक्वेशन को कंसिडर करेंगे, जो सरफेस है इस सरफेस का इक्वेशन को इस तरीके से लेंगे। देख रहे हैं यहाँ जैसे ये सरफेस है तो इस सरफेस का इक्वेशन ये था, तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और इस तरीके से लेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये देखिए कि एफ क्या होता है, एफ जो होता है वो एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन को हम लोग इस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं, एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप। अब ये एफ वन यहाँ पर हम लोग सपोज कर लिए ये, और एफ वन है क्या, एफ वन जो है वो एक्स वाई जेड का एक फंक्शन होगा, एफ टू भी एक्स वाई जेड का फंक्शन, एफ थ्री भी एक्स वाई जेड का फंक्शन। तो किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ डी आर जो लिखा हुआ है, आर क्या रिप्रेजेंट करता है, आर इस सरफेस के किसी भी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर को बताता है। और आपको पता होगा किसी भी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर को आर को कैसे लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिख सकते हैं। और यहाँ अब हम लोग इसका डिफरेंशियल निकाल लेते हैं, डी आर का यूज है तो डी आर निकालते हैं, तो आई तो कांस्टेंट वेक्टर है तो एक्स का डी एक्स आई कैप, वाई का डी वाई और जे कैप रहने दीजिए, और जेड का डी जेड और के कैप एक कांस्टेंट वेक्टर है उसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए। अब ये जो रिजल्ट था हम लोग को स्टॉक्स थ्योरम में यही रिजल्ट को प्रूफ करना है। तो ये जो रिजल्ट है इसको आप देखिए कैसे लिख सकते हैं। Now the required result can be rewritten as, इसको हम लोग फिर से कैसे लिख सकते हैं, तो ये जो है वो लाइन इंटीग्रल है एफ डॉट डी आर। अब ये दोनों वेक्टर का, एफ वेक्टर का और डी आर का डॉट प्रोडक्ट लिखना है, तो डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर का और इस वेक्टर का आप निकाल सकते हैं, क्या होगा एफ वन डी एक्स हो जाएगा, तो एफ वन इंटू डी एक्स, फिर यहाँ एफ टू इंटू डी वाई हो जाएगा और फिर एफ थ्री इंटू डी जेड हो जाएगा। और इसी का यहाँ पर निकालना है वैल्यू, इधर क्या होगा, इधर सरफेस इंटीग्रल है और कर्ल एफ, तो कर्ल एफ आपको पता होगा कि डेल क्रॉस एफ होता है, तो यहाँ पर एफ का वैल्यू लिख जाइए, डेल तो रहने दीजिए और एफ का वैल्यू यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं, तो एफ का वैल्यू एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप, और साथ में क्या है, साथ में डॉट एन इंटू डी एस है। तो ये हो गया, इसी रिजल्ट को हम लोग को प्रूफ करना है, इस रिजल्ट को हम लोग क्या मान लेते हैं वन। अब इस रिजल्ट में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डेल क्रॉस एफ वन आई निकाल लेंगे, उसी तरीके से डेल क्रॉस एफ टू जे निकाल लेंगे, फिर डेल क्रॉस एफ थ्री के निकाल लेंगे और फिर सभी को हम लोग ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेल क्रॉस एफ वन आई निकालते हैं यहाँ पर। लेट अस फर्स्ट कंसिडर, हम लोग सबसे पहले कौन सा इंटीग्रल को कंसिडर कर रहे हैं, कि ये जो इंटीग्रल है सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस एफ वन आई कैप
और उसके बाद फिर डॉट एन कैप डी एस है, सबसे पहले इस इंटीग्रल को कंसिडर करेंगे, इसी को इवेल्युएट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जिस तरीके से इसका इवेल्युएशन करेंगे उसी तरीके से डायरेक्ट सिमिलरली इसका लिख लेंगे एफ टू जे का और फिर एफ थ्री के का लिख लेंगे और सभी को ऐड कर देंगे तो उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन या इसका इवेल्युएशन कैसे करते हैं ये देखिए, इसके लिए हम लोग डेल क्रॉस एफ वन आई पहले निकालते हैं एफ वन आई। तो ये डेल क्रॉस एफ वन आई कैसे निकालते हैं, डेल का मतलब होता है आई डेल बाय डेल एक्स और प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, ये एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है और इसका वैल्यू यही होता है क्रॉस एफ वन आई। तो एफ वन आई यहाँ पर रहने दीजिए आई कैप। अब क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं तो ये हो जाएगा डेल एफ वन डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ये ऑपरेटर एफ वन फंक्शन में लगेगा, एफ वन एक्स वाई जेड का फंक्शन है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में और वेक्टर जो है वो आई कैप है। फिर यहाँ पर हो जाएगा डेल एफ वन डिवाइडेड बाय डेल वाई और वेक्टर जो है वो जे क्रॉस आई कैप। फिर यहाँ पर हो जाएगा डेल एफ वन, ये ऑपरेट करेंगे इस एफ वन में डिवाइडेड बाय डेल जेड और साथ में हो जाएगा के क्रॉस आई कैप। तो आप जानते हैं आई क्रॉस आई इक्वल टू जीरो वेक्टर होता है तो ये तो गायब हो जाएगा। अब ये यहाँ पर लिखिए इसको तो वो क्या हो जाएगा जे क्रॉस आई इक्वल टू होता है माइनस के वेक्टर और के क्रॉस आई इक्वल टू होता है जे कैप। तो यहाँ पर आ रहा है माइनस डेल एफ वन डिवाइडेड बाय डेल वाई के कैप और प्लस डेल एफ वन डिवाइडेड बाय डेल जेड जे कैप। अब हम लोग क्या करते हैं इस इंटीग्रल को निकालते हैं डेल क्रॉस एफ वन आई कैप डॉट एन डी एस। यहाँ पर हम लोग को इसी का ज़रूरत था, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इसी इंटीग्रल को हम लोग सबसे पहले इवेल्युएट करना चाह रहे हैं तो इस इंटीग्रल को ही हम लोग निकाल रहे हैं। तो इसका वैल्यू अभी ऊपर हम लोग निकाल करके रखे हुए हैं, ये सरफेस एस में निकालना है तो इसका वैल्यू कितना निकाले हुए हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं माइनस डेल एफ वन डिवाइडेड बाय डेल वाई के कैप प्लस डेल एफ वन डिवाइडेड बाय डेल जेड जे कैप और डॉट एन डी एस है। अब ये एन को डॉट प्रोडक्ट कर देंगे अंदर तो यहाँ सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा माइनस डेल एफ वन डिवाइडेड बाय डेल वाई के डॉट एन, के डेट डॉट एन को एन डॉट के भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई है और प्लस डेल एफ वन डिवाइडेड बाय डेल जेड और यहाँ पर जे डॉट एन को एन डॉट जे भी लिख सकते हैं एन डॉट जे। तो ये रहने दीजिए, अब इसी को हम लोग इवेल्युएट करेंगे। अब इसको कैसे करते हैं आगे देखिए। तो ये जो इक्वेशन आया है इसको इक्वेशन हम लोग नंबर टू कर देते हैं, वन पहले किया था और मैं एक्चुअली ये लंबा थ्योरम है तो इसको मैं मिटा दूंगा। तो इसके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जो इक्वेशन आया है अभी कि ये जो सरफेस इंटीग्रल है वो इसके बराबर आया है तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नंबर टू और पहले एक इक्वेशन आया था ये वो नंबर वन लिखा हूँ यहाँ पर। अब आप आगे देखिए कि लेट P बी ए पॉइंट ऑन S एंड डी एस बी द एलिमेंट्री एरिया इंक्लूजिंग P। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो सरफेस है इस पर एक पॉइंट हम लोग P लेते हैं और ये पॉइंट जो P है ये पॉइंट P को इंक्लोज करता हुआ एक कोई सरफेस एरिया ले रहे हैं, ये जो है वो एक सरफेस एरिया ले रहे हैं, ये स्मॉल पार्ट है, ये जो है वो उसका इसका एरिया को हम लोग डी एस कह रहे हैं। तो ये P पॉइंट को इंक्लोज कर रहा है मतलब P पॉइंट के इसी के अंदर है। तो यहाँ पर मैं वही लिख रहा हूँ कि डी एस बी द एलिमेंट्री एरिया इंक्लूजिंग P, ये स्मॉल एरिया है एलिमेंट्री एरिया कहते हैं और लेट N बी द यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल टू डी एस एट P। और ये जो डी एस है इस पर एक नॉर्मल वेक्टर ले रहे हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर N, इसी P पॉइंट पर हम लोग ये ड्रॉ कर रहे हैं, ये पर नॉर्मल हो गया, मैं नॉर्मल के बारे में भी समझाया था। अब हम लोग जानते हैं ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला है मैं पहले जो वीडियो अपलोड किया हूँ उसमें आपको मिल जाएगा, इसका मैं प्रूफ करके बताया हूँ कि डी एस इक्वल टू होता है डी एक्स इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई एन डॉट की। अब ये डी एक्स डी वाई क्या चीज़ है, हम लोग क्या करते हैं इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं कहाँ पर, आर ये जो रीजन आया है एक्स वाई प्लेन पर, तो एक्स वाई प्लेन पर हम लोग इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं इस एलिमेंट्री एरिया का। तो ये एलिमेंट्री एरिया का जो प्रोजेक्शन होगा वो कैसा होगा, एक रेक्टेंगल टाइप पर होगा ये, तो यहाँ पर जो एक रेक्टेंगल टाइप पर मिल रहा है इसी का एरिया को
dx इंटू डी वाई कहते हैं। इसका लेंथ dx मान लीजिए, सॉरी लेंथ इधर इस डायरेक्शन में dx x एक्सिस के डायरेक्शन में और y एक्सिस के डायरेक्शन में जो है वो dy, तो इसका एरिया हो जाएगा dx dy। तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ वही कि वेयर dx dy इज द प्रोजेक्शन ऑफ ds ऑन द xy प्लेन। ये जो ds है इसका प्रोजेक्शन xy प्लेन पर ले रहे हैं, तो उसका एरिया जो है वो dx dy है। dx dy इज द प्रोजेक्शन ऑफ ds ऑन द xy प्लेन और लेट r बी द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ s ऑन xy प्लेन। और ये जो s सरफेस था, इस सरफेस का जब हम लोग xy प्लेन पर प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो वो प्रोजेक्शन है r। एंड फिर आगे मैं लिख रहा हूँ कि एंड लेट c1 बी इट्स बाउंड्री। इसका जो रीजन R है वो R रीजन का जो बाउंड्री होगा उस बाउंड्री को हम लोग मान रहे हैं C1। ये जो रीजन आ रहा है किसी ना किसी बाउंड्री से घिरा हुआ है, तो ये बाउंड्री को C1 मान रहे हैं। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, चूजिंग Z इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई एज द इक्वेशन ऑफ सरफेस S। मैं अभी बता रहा था कि सरफेस का इक्वेशन हम लोग कई तरीके से लिख सकते हैं, Z इक्वल टू f ऑफ एक्स कॉमा वाई भी लिख सकते हैं, या वाई इक्वल टू जी कॉमा ऑफ एक्स जेड भी लिख सकते हैं, और जेड इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ एच इक्वल एच फंक्शन ऑफ यहाँ पर हो जाएगा एक्स सॉरी जेड नहीं जेड जेड वाई लिख चुका हूँ, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ये वाई जेड का फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से कई तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग, मैं बताया हूँ अभी। तो अभी फिलहाल हम लोग कौन सा ले रहे हैं, ये इक्वेशन ले रहे हैं। ये क्यों, क्योंकि जब एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ड्रॉ कीजिएगा, तो जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई लेना है। तो यहाँ पर मैं वही ले रहा हूँ एज द इक्वेशन ऑफ सरफेस, सरफेस का इक्वेशन जो होगा उसको मैं इस तरीके से ले रहा हूँ। अब देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं, द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी कैन बी रिटन एज, हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, पोजीशन वेक्टर जो था वो r, r से रिप्रेजेंट कर रहे थे p पॉइंट का, और इस p पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज कर रहे हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड जो है उस जेड के जगह भी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कि इस कर्व का सरफेस का इक्वेशन क्या लेंगे, जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग जेड के जगह लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के कैप। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डेल आर डिवाइडेड बाय डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो वाई के रिस्पेक्ट में जब कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए यही आर है, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो एक्स का डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स तो वाई के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और यहाँ वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका वन हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ जे बच जाएगा। और जेड जो होता है वो एक्स वाई का फंक्शन है, जेड एक्स वाई का फंक्शन है, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा डेल जेड डिवाइडेड बाय डेल वाई के कैप, ये भी लिख सकते हैं। या फिर यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, सिर्फ जेड का वैल्यू लिख दिया गया, अगर इसको लिखते हैं तो एक्स का तो वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव जीरो और वाई का वाई के रिस्पेक्ट में वन, तो जे कांस्टेंट है, और यहाँ पर डेल एफ डिवाइडेड बाय डेल वाई, एफ जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है, डेल एफ बाय डेल वाई लिख रहे हैं के कैप। अब देखिए फिर आगे हम लोग क्या करते हैं, सिंस डेल आर डिवाइडेड बाय डेल वाई इज ए टेंजेंट वेक्टर, ये एक टेंजेंट वेक्टर होता है, टेंजेंट वेक्टर एट पी, ये एक डिफ्रेंशिएशन में आप लोग पढ़े होंगे कि आर जो पोजीशन वेक्टर है उसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये जो होता है वो टेंजेंट वेक्टर होता है। किस पॉइंट का है ये वेक्टर, टेंजेंट वेक्टर पी पॉइंट का है, तो पी पॉइंट का टेंजेंट वेक्टर है तो नॉर्मल पर तो जरूर परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि नॉर्मल इधर हो गया और टेंजेंट इस डायरेक्शन में है, तो जो टेंजेंट वेक्टर होता है वो नॉर्मल पर परपेंडिकुलर होता है। तो सिंस डेल आर डिवाइडेड बाय डेल वाई इज परपेंडिकुलर टू एन, यानी कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एन डॉट डेल आर डिवाइडेड बाय डेल वाई, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो होता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एन डॉट तो रहने देते हैं और डेल आर बाय डेल वाई का वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल आर बाय डेल वाई का वैल्यू आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग निकालें ये वाला, तो ये वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, यहाँ पर वैल्यू है जे प्लस डेल जेड डिवाइडेड बाय डेल वाई के डॉट के कैप इक्वल टू इधर है जीरो। अब यहाँ पर हम लोग इसके साथ
इसको डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई है डॉट प्रोडक्ट में, तो एन डॉट जे प्लस डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई स्केलर है और फिर एन डॉट के, यहाँ से हम लोग एन डॉट जे निकाल लेते हैं, तो एन कैप डॉट जे कैप का वैल्यू उधर ले जाते हैं, तो माइनस डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई इंटू एन डॉट के। अब ये वैल्यू, ये नंबर हम लोग डाल देते हैं, यहाँ पर नंबर हो जाएगा 4। अब ये जो वैल्यू आया है वो हम लोग पुट करते हैं, एन डॉट जे का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो यहाँ पर पुट करने से क्या होगा, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो ये जो सरफेस इंटीग्रल आ रहा था डेल क्रॉस एफ वन आई डॉट एन डी एस, इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस डेल एफ वन डिवाइडेड बाय डेल वाई एन डॉट के है और प्लस डेल एफ वन डिवाइडेड बाय डेल जेड और फिर एन डॉट जे। देखिए एन डॉट जे का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर रहे हैं, एन डॉट जे का वैल्यू ये माइनस में है, माइनस डेल जेड डिवाइडेड बाय डेल वाई एन डॉट के और बाहर में क्या है आपको देख पा रहे हैं, बाहर में जो है वो डी एस है, तो डी एस हम लोग लिख जा रहे हैं। अब क्या करते हैं इसको, ये जो सरफेस इंटीग्रल है वो रहने देते हैं और एन डॉट के दोनों में है, तो एन डॉट के को हम लोग यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है, और ये हो जाएगा माइनस डेल एफ वन डिवाइडेड बाय डेल वाई, माइनस को भी आप कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस भी हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो डेल एफ वन डिवाइडेड बाय डेल वाई प्लस डेल एफ वन डिवाइडेड बाय डेल जेड इंटू डेल जेड डिवाइडेड बाय डेल वाई और डी एस, ये ज्यों का त्यों रहने दीजिए। अब देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं, इसको नंबर डाल देते हैं 5। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब नाउ ऑन एस, एस जो सरफेस था उसमें ये जो फंक्शन है एफ वन ऑफ एक्स वाई जेड, एफ वन क्या था, मैं अभी लिखा था कि वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ जो था वो एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप था, तो एफ वन क्या था, एक्स वाई जेड का फंक्शन था, तो फिलहाल तो हम लोग सिर्फ इसी पार्ट को ले रहे हैं, तो एफ वन जो है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है और यहाँ पर जो सरफेस इंटीग्रल है उस सरफेस इंटीग्रल में जेड का जो वैल्यू आया है, जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई आया है, तो यहाँ पर जेड का वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स कॉमा वाई और जेड का जो वैल्यू है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो ये लास्टली जो है वो किस वेरिएबल का फंक्शन हो गया, दो ही वेरिएबल, जेड तो हट गया, जेड को हम लोग एक्स वाई में कन्वर्ट कर दिए, तो ये दो वेरिएबल का फंक्शन आ गया, यानी इस वेरिएबल को हम लोग सपोज कर ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स वाई, ये सपोज कर लीजिए एफ ऑफ एक्स वाई। अगर ये आपका पूरा क्लियर नहीं है तो इसे एग्जाम्पल से समझिए, पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर एफ वन जो है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है और एक्स वाई जेड का फंक्शन है, मान लीजिए ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू जेड, एफ वन जो है कोई भी एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, और जो सरफेस का इक्वेशन था, सरफेस का इक्वेशन ऐसा मान लीजिए टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर जेड इक्वल टू फाइव, ये सरफेस का इक्वेशन था, सरफेस मान लीजिए अगर कोई प्लेन है तो प्लेन का इक्वेशन इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, मैं अभी समझा रहा था, तो सरफेस का इक्वेशन ये मान लीजिए, ये सरफेस का इक्वेशन है, ये जो सरफेस है एस उसका इक्वेशन है, तो यहाँ से आप जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो जेड का वैल्यू कितना आएगा उधर जा करके, फाइव माइनस टू एक्स माइनस थ्री वाई डिवाइडेड बाई फोर हो जाएगा, ये किसका फंक्शन हो गया, ये एक्स वाई का फंक्शन है, तो वही सरफेस का भी हम लोग इक्वेशन इस तरीके से ले रहे थे, तो यहाँ पर आप पुट कर देते हैं एफ वन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड है, तो यहाँ पर आप जेड का वैल्यू पुट कर देंगे फाइव माइनस टू एक्स माइनस थ्री वाई डिवाइडेड बाई फोर, तो ये क्या हो गया, एक्स वाई का फंक्शन हो गया, जेड तो रहा नहीं, तो यहाँ पर ये जो फंक्शन आ रहा है इसी को एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई मान रहे हैं, एक नया फंक्शन मिल गया, एक्स वाई का फंक्शन मिल गया, तो इसी फंक्शन को हम लोग एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई सपोज कर रहे हैं, तो यहाँ जो फंक्शन आ रहा है एफ ऑफ एक्स वाई आ गया, यानी आप कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो किसका फंक्शन आ गया, एफ ऑफ एक्स वाई जो है यहाँ पर एफ वन ऑफ एक्स वाई जेड के बराबर है, देखिए ये एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो एफ वन ऑफ एक्स वाई जेड के बराबर है। अब इसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं वाई के रिस्पेक्ट में, तो क्या रूल होता है वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स तो कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा उसका जीरो हो गया, और यहाँ पर देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल होता है कि अगर इसको आप वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पहले एफ वन को
x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा और फिर x को करना पड़ेगा y के रिस्पेक्ट में, f1 को यहाँ पर फिर y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा और फिर y को y के रिस्पेक्ट में, और फिर f1 को z के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा और फिर z को y के रिस्पेक्ट में। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल होता है। एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो f1 को पहले x के रिस्पेक्ट में, फिर x को y के रिस्पेक्ट में, f1 को फिर y के रिस्पेक्ट में, y को y के रिस्पेक्ट में, f1 को z के रिस्पेक्ट में, फिर z को y के रिस्पेक्ट में। तो आप देखिए ये x को जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तब तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट जैसा ट्रीट हो रहा है, तो ये कंप्लीट जीरो। और y को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर डेल f1 डिवाइडेड बाय डेल y हो गया, और प्लस यहाँ पर आ गया डेल f1 डिवाइडेड बाय डेल z इंटू डेल z डिवाइडेड बाय डेल y। तो ये नंबर डाल देते हैं हम लोग 6, और इस 6 का यूज कीजिए, इसका वैल्यू पुट कीजिए। आप देखिए यहाँ पर ये आया है ना डेल, यही चीज़ है डेल एफ वन डिवाइडेड बाई डेल वाई प्लस डेल एफ वन बाई डेल जेड, डेल जेड बाई डेल वाई। यहाँ पर भी देख रहे हैं डेल एफ वन बाई डेल वाई प्लस डेल एफ वन बाई डेल जेड, डेल जेड बाई डेल वाई। तो इसके बदले अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल एफ बाई डेल वाई लिख सकते हैं। तो पुट यूजिंग 6, यूजिंग 6 इक्वेशन 5 बिकम्स, अब 5 क्या हो जाएगा आप समझिए, यहाँ पर 5 हो जाएगा वो जो सरफेस इंटीग्रल हम लोग लिख रहे थे, डेल क्रॉस एफ वन आई कैप इन डॉट एन डी एस। इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये सरफेस इंटीग्रल माइनस तो बाहर में रहने दीजिए, और उसका वैल्यू हम लोग देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये जो चीज़ है इसका वैल्यू अब कितना आ गया माइनस, तो वहाँ पर था ही माइनस डेल एफ डिवाइडेड बाई डेल वाई आ गया, और साथ में क्या है एन डॉट के डी एस है। तो हम लोग अब क्या करते हैं, एन डॉट के डी एस, डी एस का वैल्यू पुट कर देते हैं, या एन डॉट के डी एस का वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हैं, एन डॉट के डी एस का वैल्यू अब क्या आ जाएगा, डी एक्स डी वाई आ जाएगा। तो 3 का भी यूज करके यहाँ जो आप देख पा रहे हैं एन डॉट के डी एस जो है उसके जगह यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इसका वैल्यू लिख सकते हैं डी एक्स इंटू डी वाई। तो इसको नंबर हम लोग 7 कर देते हैं, और यहाँ पर फिर हम लोग किसका यूज किए हैं, यूज हम लोग 3 का किए हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे, इसमें ग्रीन्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो ग्रीन्स थ्योरम को इससे क्या लिख सकते हैं जरा समझिए। तो देखिए नाउ बाय ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन रीजन आर वी हैव, आपको पता होगा कि ग्रीन्स थ्योरम क्या है, प्लेन रीजन आर में एक्स वाई प्लेन में, मान लीजिए आर कोई रीजन है, ये कर्व सी से बाउंडेड है, और इस कर्व जो है वो सी से जो बाउंडेड है उसका जो लाइन इंटीग्रल होगा किसका, साई डी एक्स प्लस फाई डी वाई। तो ये किसके बराबर होता है, ये सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है, आर रीजन में इंटीग्रेट करते हैं, और किसको करते हैं, फाई को डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में, और साई को डिफ्रेंशिएट करते हैं वाई के रिस्पेक्ट में, और इसका सरफेस इंटीग्रल निकालते हैं एक्स वाई प्लेन में जो रीजन आर है उस पर। तो क्या करते हैं हम लोग, डी वाई के साथ जो फंक्शन होता है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, और जो डी एक्स के साथ फंक्शन होता है उसको वाई के रिस्पेक्ट में, और दोनों के डिफरेंस का सरफेस इंटीग्रल निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये देखिए, फिगर तो मैं मिटा दिया हूँ, फिगर में आप देख सकते हैं कि सी वन जो था वो सी वन क्या था, नीचे वाला जो रीजन आर था उस रीजन का जो एक्स वाई, हम लोग एक्स वाई प्लेन पर जो प्रोजेक्शन ड्रॉ किए थे कर्व सरफेस एस का, तो वो जो बाउंड्री था वो सी वन बाउंड्री था, और वो रीजन तो आर था। तो यहाँ पर इसी तरीके से जो साई डी एक्स प्लस फाई डी वाई है उसके जगह एफ वन डी एक्स प्लस जीरो डी वाई ले लेते हैं, या जीरो फंक्शन ले लेते हैं, तो इसका सरफेस इंटीग्रल क्या हो जाएगा, तो जो सी वन बाउंड्री था उससे इंक्लूड रीजन था आर। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर आप देखिए कि फाई को डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब डी वाई के साथ जो होता है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई के साथ जीरो है तो इस जीरो को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, और डी एक्स के साथ जो है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, और दोनों को फिर हम लोग इन दोनों के डिफरेंस को इंटीग्रेट कर देंगे आर रीजन में, एक्स वाई प्लेन में जो रीजन आर था उस रीजन में इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब यहाँ से क्या हो गया, ये तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आ रहा है आर रीजन में माइनस डेल एफ डिवाइडेड बाय डेल वाई डी एक्स डी वाई। इसको नंबर हम लोग कर देते हैं 8, और इसका यूज करते हैं अब 7 में। तो 7 क्या है, देखिए माइनस डेल एफ बाय डेल वाई डी एक्स डी वाई यहाँ पर भी है, माइनस डेल एफ बाय डेल वाई डी एक्स डी वाई। तो अब ये जो आया है यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर यही है, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, क्योंकि क्या है ये सरफेस इंटीग्रल निकालना था पूरे सरफेस इंटीग्रल में, लेकिन हम लोग क्या किए हैं, अब
अब जेड को कन्वर्ट कर दिए थे, जेड को जो है वो क्या किए थे, जेड जो है वो कन्वर्ट करके एक्स वाई का फंक्शन में ले आए थे, तो सिर्फ एक्स वाई प्लेन पर आ जाएगा। तो एक्स वाई प्लेन पर जो सरफेस था वो एस नहीं था, बल्कि वो सरफेस था आर रीजन था। एक्स वाई प्लेन पर जो फिगर आप देख पा रहे हैं कि वो एक्स वाई प्लेन पर जो आया है वो आर रीजन है, तो यहाँ पर सरफेस एस था वो एस के बदले आर, क्योंकि यहाँ जेड नहीं रहेगा, अब एक्स वाई के टर्म में ही सिर्फ इंटीग्रेट करना है। अब देखिए यहाँ पर ये और ये बिल्कुल सेम है, तो इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। इसका वैल्यू कितना निकाले हुए, इसका वैल्यू इसके बराबर है, तो इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो फ्रॉम 3 and 8 वी हैव 3 and 8 से हम लोग को क्या मिल रहा है, आप देखिए कि ये जो सरफेस इंटीग्रल था डेल क्रॉस f1 i डॉट n ds, ये जो सरफेस इंटीग्रल है आप देख रहे हैं ये, तो ये सरफेस इंटीग्रल इसके बराबर, और इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू ये आएगा, तो ये जो है वो लाइन इंटीग्रल हो गया। और यहाँ पर C1 कर्व में इंटीग्रेट करना, और किसको, FdX, ये तो जीरो हो गया, तो सिर्फ FdX बच गया, इसको हम लोग नंबर डाल देते हैं 9। अब ये देखिए कि सिंस एट ईच पॉइंट एक्स वाई ऑफ C1 द वैल्यू ऑफ F इज द सेम एज द वैल्यू ऑफ F1 एट ईच पॉइंट एक्स वाई जेड ऑफ C, ये जरा समझिए। जैसे अभी हम लोग क्या किए थे, एक कर्व लिए थे यहाँ पर सी, एक सरफेस लिए थे, ये एस सरफेस था, वो सी कर्व से बाउंडेड था, इसका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन यहाँ पर ड्रॉ किए थे, वो जो बाउंड्री था वो C1 था। यहाँ पर अगर कोई भी पॉइंट एक्स वाई जेड ले लेते हैं और उसका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन हम लोग यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, तो ये जेड एक्सिस के पैरेलल होगा, और जेड एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होता है उस लाइन का किसी भी पॉइंट का सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट ही वैरी करता है, दोनों पॉइंट का, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट आप ले लेते हैं तो उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो यहाँ का एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, उसमें अंतर क्या होगा, जब एक्स वाई प्लेन पर ये पॉइंट है तो इसका जेड कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा और इसका जेड कोऑर्डिनेट जो भी रहे, लेकिन एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो सेम होगा, इस पॉइंट का एक्स वाई कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का एक्स वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो जैसे मैं अभी एक एग्जांपल यहाँ पर लिया था कि एफ वन जो फंक्शन था वो ये फंक्शन था और ये जो प्लेन था, प्लेन का इक्वेशन हम लोग इस तरीके से ले रहे थे, मैं अभी एक एग्जांपल लिया था, तो इस कर्व पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, इस कर्व पर एक पॉइंट हम लोग ले रहे हैं 1, 1/3, 1/2, ये देखिए इस प्लेन, ये प्लेन की मैं बात कर रहा हूँ, ये प्लेन मैं एक एग्जाम्पल के लिए समझा रहा था, तो ये देखिए ये इस पॉइंट जो है वो इस प्लेन पर है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, F1 का वैल्यू निकालते हैं, F1 का वैल्यू किस पॉइंट पर निकालना है, एक्स वाई जेड पर निकालना है, एक्स के जगह 1, 1/3 वाई के जगह और जेड के जगह 1/2, तो इस F1 का वैल्यू कितना आएगा, आप देखिए एक्स के जगह 1 पुट कर रहे हैं, वाई के जगह 1/3 पुट कर रहे हैं और जेड के जगह 1/2 पुट कर रहे हैं, तो 1/6 आ रहा है। और एफ फंक्शन का वैल्यू निकालिए इसी पॉइंट पर, तो एफ फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट में अंतर क्या होगा, सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा, इसका कोऑर्डिनेट अगर हम लोग 1, 1/3, 1/2 ले रहे हैं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, 1/3 हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन पर है, जेड कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। तो फंक्शन एफ का वैल्यू निकालते हैं, तो एक्स के जगह क्या हो जाएगा 1, 1/3 पर, तो एक्स के जगह हो जाएगा 1 और y के जगह हो जाएगा 1/3, यहाँ पर 5 - 2x, x के जगह 1 - 3y, y के जगह 1/3 और डिवाइडेड बाई 4 है, तो ये हो गया 1/3। आप यहाँ पर देखिएगा 5 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 - 2 - 1, मतलब ये 2 हो जाएगा और 2 डिवाइडेड बाई 4 आएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये 1/6 आ रहा है। तो देखिए ये दोनों वैल्यू जो है, एफ फंक्शन का वैल्यू और एफ वन फंक्शन का वैल्यू और एफ फंक्शन का वैल्यू वो सेम आ रहा है, एफ वन का वैल्यू और एफ फंक्शन का वैल्यू वो सेम होगा। तो मैं यहाँ पर वही लिख रहा हूँ कि सिंस एट ईच पॉइंट एक्स वाई ऑफ C1 का कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उसका कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई है, तो द वैल्यू ऑफ एफ इज सेम एज द वैल्यू ऑफ F1, तो एफ फंक्शन का जो वैल्यू आएगा वो सेम होगा F1 फंक्शन के वैल्यू के लिए एट ईच पॉइंट एक्स वाई जेड ऑफ C। हम लोग एक्स वाई पॉइंट पर निकालते हैं फंक्शन एफ का वैल्यू और एक्स वाई जेड पॉइंट पर निकालते हैं फंक्शन F1 का वैल्यू, तो दोनों सेम आता है। एंड सिंस dx इज द सेम फॉर बोथ कर्व्स, और दोनों का dx सेम होगा, जब x कोऑर्डिनेट सेम है तो dx भी सेम होगा, तो वी मस्ट हैव, तो यहाँ पर देखिए ये जो C1 कर्व में हम लोग ये इंटीग्रेट कर रहे थे, वो C1 कर्व का इंटीग्रल को हम लोग लिख सकते हैं C कर्व का इंटीग्रल, F फंक्शन के बदले हम लोग F1 लिख रहे हैं। कारण क्या है कि
हम लोग C1 कर्व में f फंक्शन का वैल्यू निकाल रहे थे, C1 कर्व में f फंक्शन का वैल्यू किसी भी पॉइंट पर, तो वो किसके बराबर आ रहा है, C कर्व के F1 फंक्शन के बराबर आ रहा है। F1 का वैल्यू जो आ रहा है वो f के वैल्यू के बराबर आ रहा है, तो f के बदले हम लोग F1 लिख रहे हैं, लेकिन कर्व C1 के बदले हम लोग को C लिखना पड़ेगा। तो अब यही चीज़ जो है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो देखिए क्या होता है। तो फ्रॉम यहाँ नंबर हम लोग 10 कर देते हैं और यही वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या होता है, तो फ्रॉम 9 एंड 10 हम लोग 9 और 10 से लिख सकते हैं, जा समझिए इसको, कि ये जो सरफेस इंटीग्रल था डेल क्रॉस F1i कैप डॉट NdS वो किसके बराबर आ गया, उसको हम लोग लिख सकते हैं 10 का यूज करके C ऑफ F1 dx, इसको नंबर हम लोग 11 कर देते हैं। सिमिलरली जिस तरीके से हम लोग XY प्लेन पर प्रोजेक्शन ड्रॉ करके किए, उसी तरीके से YZ प्लेन पर भी प्रोजेक्शन ड्रॉ करके कर सकते हैं, डेल क्रॉस F2j डॉट यहाँ पर NdS इज इक्वल टू आ जाएगा, क्लोज्ड कर्व सी रहेगा, यहाँ F2 हो जाएगा और dy हो जाएगा। अगर हम लोग किस पर अभी फिलहाल XY प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे और ये दूसरे प्लेन पर हम लोग YZ प्लेन पर करते हैं, तो YZ प्लेन पर करते हैं तो इस तरीके से आएगा, ZX प्लेन पर करते हैं तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा डेल क्रॉस F3 की, इसका एवोल्यूशन जो है वो हम लोग अगर करेंगे तो इसका इसी तरीके से आएगा, यहाँ पर i था तो dx, j था तो dy और k है तो यहाँ पर F3 और DZ, ये नंबर 12 कर देते हैं और ये नंबर 13 कर देते हैं। अब तीनों को ऐड कर देते हैं, 11 प्लस 12 प्लस 13, तो ये क्या हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल, ये तीनों को जब ऐड करेंगे तो ये सभी में है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डेल क्रॉस F1i कैप प्लस F2j कैप प्लस F3k कैप और डॉट NdS, और यहाँ पर हो जाएगा एक ही कर्व में है तो F1 dx प्लस F2 dy प्लस F3 dz, और यही जो था वो कर्ल F, ये जो सरफेस इंटीग्रल था वो कर्ल F था, ये वेक्टर फंक्शन F हो जाएगा डॉट NdS, और ये जो हम लोग निकाले थे लाइन इंटीग्रल निकाले थे, इसको एक क्लोज्ड कर्व में था, और ये चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं क्या, वेक्टर फंक्शन F(dr), तो यही हम लोग को इंटीग्रेट करना था, यही हम लोग को प्रूफ करना था, दोनों को इक्वल प्रूफ करना था। तो ये फ्रेंड्स स्टॉक्स थ्योरम का प्रूफ हो गया, और मैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का भी प्रूफ बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन स्टॉक्स थ्योरम से रिलेटेड कुछ नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉब्लम बताऊंगा, उसके बाद फिर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का भी प्रूफ बताऊंगा। तो फ्रेंड्स अगर कोई स्टॉक्स थ्योरम का आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसको आप समझना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, मैं उसको स्टॉक्स थ्योरम का क्वेश्चन को मैं आपको एक वीडियो बना करके उसको बता दूंगा। और फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्या कमी रह गई आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, हम उसको इम्प्रूव करेंगे, आपके फीडबैक के अनुसार हम अपने जो वीडियो बना रहे हैं, जो भी चीज़ आपको समझा रहे हैं उसमें हम लोग कुछ कोशिश करेंगे कि आपके अनुसार हम इम्प्रूव करें। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये गोल जैसा आ रहा है M लिखा हुआ, जो मेरा लोगो है उस लोगो को टच करके आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।